अगर आप अपनी यूपी वृद्धावस्था पेंशन का पैसा चेक कर रहे हैं, पेमेंट चेक कर रहे हैं और कुछ लाभार्थियों के यहाँ पर पेमेंट रिजेक्टेड दिखा रहा है कल की डेट का, इस तरीके के लिख करके आ रहा है, आप लोग कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी यूज़र थ्रू आउट PFMS पोर्टल, इस तरीके का एरर आ रहा है, CPE 999, इस तरीके का एरर अगर आपको आ रहा है तो आपको क्या काम करना है और क्यों ये समस्या आ रही है, क्या आपके फॉर्म में कोई कमी है, इस पूरी जानकारी आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। अगर आप भी अपनी वृद्धावस्था पेंशन का पैसा चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कल की डेट का पैसा डाला गया है, 14 मार्च का जो पेमेंट डाला गया है, वह लगभग सभी लोगों का रिजेक्टेड ही दिख रहा है। आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं सर रिजेक्टेड क्यों हुआ है, तो यहाँ पर लगभग सभी लोगों का ही पेमेंट रिजेक्टेड हुआ है जिनका भी 14 तारीख को वृद्धावस्था पेंशन का पैसा डाला गया है बेनिफिशरी पर, उन सभी लोगों का रिजेक्टेड हो गया है। और रिजेक्टेड हुआ जैसे कि यहाँ पर देखिए 7000 दिखा रहा है अभी रिजेक्टेड हुआ है, और नीचे आएगी प्रॉब्लम यहाँ पर देखेगी तो एरर डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में आपको फाइल रिजेक्टेड बाई एजेंसी यूज़र थ्रू आउट PFMS पोर्टल, तो यानी कि जो फाइल है वह एजेंसी द्वारा रिजेक्टेड की गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, बस आपको इंतज़ार करना है 2 से 3 दिन में दोबारा से बेनिफिशरी बनाई जाएगी, विभाग द्वारा दोबारा से बेनिफिशरी क्रिएट की जाएगी, दोबारा से बेनिफिशरी क्रिएट कर आपको पेंशन का पैसा फिर से डाला जाएगा, भेज जाएगा। आप 2 से 3 दिन इंतज़ार कर लीजिए, कुछ ही दिनों में आपका पेमेंट शो होने लगेगा, बेनिफिशरी पर फिर से डाला जाएगा। आप 2 से 3 दिन बाद चेक लगातार यहाँ पर आप चेक करिए, PFMS पोर्टल पर चेक करते रहिए, आपका पेमेंट फिर से शो होने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर जितना भी अमाउंट दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 7000 दिख रहा है, उसका ठीक आधा यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर कभी कभी ये भी हो रहा है किसी किसी लाभार्थी में, तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट दिख रहा है अगर रिजेक्टेड हो रहा है, उसके बाद जब भी दोबारा से बेनिफिशरी बनाई जा रही है तो ठीक आधा पेमेंट यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि 6000 दिखा रहा है तो 3000 आ रहा है, किसी का 9000 दिख रहा है तो ठीक उसका आधा मिल रहा है। तो इस तरीके से करके यहाँ पर दोबारा से जब भी रिजेक्टेड होने के बाद बेनिफिशरी बनाई जा रही है, पेमेंट डाला जा रहा है, तो ठीक पेमेंट अमाउंट जितना भी है उसका आधा ही अमाउंट यहाँ पर मिल रहा है। तो आप इंतज़ार कर ले, कुछ ही दिनों में दोबारा से बेनिफिशरी बनाई जाएगी। अगर आपके कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है, एरर डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में कुछ इस तरीके का दिख रहा है तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।